क्या आपको पता है कि जब लड़कियों के पीरियड स्टार्ट होते हैं या चल रहे होते हैं तो उनको कोई भी धार्मिक स्थान पर जाने के लिए मना क्यों किया जाता है? या पहले के टाइम पे हमें क्यों मना किया जाता था कि आपको कोई काम नहीं करना है जब तक कि आपके पीरियड्स ख़त्म नहीं होते, या उनको एक अलग जगह पे सोने के लिए बोला जाता था? तो इसके पीछे एक्चुअल रीज़न जानते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैनिटरी पैड्स जो हैं वो 1800s में पहली बार बने थे और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो लोग जो रहते थे वो कपड़ा यूज़ करते थे या अलग अलग तरीके से अपने पीरियड्स को मैनेज करते थे। तो इसलिए जो पहले का टाइम था उस टाइम पे ना हमारे पास मेडिसिन थी, ना हमारे पास पैड्स थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लड़कियों को दर्द होता था या लीकेज होता था, स्टेन्स लगते थे। तो ये सब चीज़ों के कारण उनको बोला जाता था कि आपको ये 5 दिन कोई घर का काम नहीं करना है और आपको सिर्फ आराम करना है। और उनको अलग जगह पे इसलिए रखा जाता था ताकि अगर उनका लीकेज होता है या कोई भी स्टेन्स लगते हैं तो उस एक ही जगह पे रहने से वो आप इजीली वॉश आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे घर में घूमते हो सकता है कि बहुत जगह पे आप वो स्टेन्स स्प्रेड कर दो और फिर आपको ही वो ज़्यादा क्लीनिंग करने में टाइम लगेगा। और रही बात धार्मिक स्थानों की, धार्मिक स्थान एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पे लोग हंड्रेड्स में आते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होते थे। तो अगर बहुत सारी लड़कियाँ जिनको मना ना किया जाए और वो धार्मिक स्थान पे ऐसे ही आ जाती हैं और वो लीकेज होता है या स्टेन्स लगते हैं तो आप बहुत ही भारी मात्रा में जो वायरस है ब्लड के अंदर रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वो आप फैलाओगे बाकी लोगों में। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग गैदरिंग्स में आते थे, ज़्यादा मात्रा में आते थे, या जहाँ पे चांसेस था कि आप वो जर्म्स जो हैं या वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में फैला सकते हो, आपको उन जगह पर जाने के लिए मना किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में जब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, हमारे पास मेडिसन्स हैं, पैड्स हैं, टैम्पॉन्स हैं और बहुत तरीके की चीज़ें हैं, तो अब आप अगर किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको वो अंधविश्वास में नहीं जाना है कि आप कुछ बुरा कर रहे हैं। आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना पीरियड्स को संभाल सकते हैं, लीकेज नहीं हो रहा है, तो आप कहीं पे भी जाएं, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात भगवान को भी आपसे परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये भगवान ने आपको दी है। वो आपको कोई भी गंदी चीज़ नहीं देगा, कोई भी गलत चीज़ नहीं देगा। ये सब ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर आपके पीरियड्स में आप भगवान के घर में जाना चाहते हैं, धार्मिक स्थान में जाना चाहते हैं, या आप घर में कोई भी काम करना चाहते हैं या सबके साथ मिल के रहना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए ये अंधविश्वास में ना पड़े कि इससे आपको कुछ परेशानी होगी या आप कुछ बुरा काम कर रहे हैं। ओके, आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे टुगेदर। बाय।